तो भतीजो अभी हम करने वाले हैं तीन ऐसे खतरनाक चैलेंज जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। चैलेंज नंबर वन, अभी इन इतनी सारी गोस्ट राइडिंग बाइक के बीच से हमें एक बाइक निकालनी है जिसके लिए हम रेडी हैं। 3, 2, 1 गो। भैया बड़े ही कायदे से प्यार से निकालेंगे, कहीं थोड़ी सी भी टच हो गई तो अबे यार ये तो घुसने से पहले ही ब्लास्ट हो गई। शिट, कोई ना, इस बार हमने बाइक्स इधर रख दी हैं। इस बार हम फिर से एक और ट्राई करेंगे। हमारे पास तीन चांस है जिसमें से एक चांस हमारा चला गया है, अभी दो बचे हैं। हम लोग को तो तीन चांस की जरूरत भी नहीं है यार। अच्छा। दूसरे में मैं क्लियर कर दूंगा यार। ये हमारी बाइक सामने खड़ी है यार। इस बार हमने सिंपल सी बाइक ली है एंड यहाँ से थोड़ा सा इसकी स्पीड में ले जाएंगे, लेकिन यार मुझे डर लग रहा है कि स्पीड में ले जाने से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बड़े ही प्यार से निकालूं, बिल्कुल इधर उधर घुमाते हुए। अबे यार ये तो अंदर तक नहीं जाने देते यार। अब तो यार कैसे भी करके लगता है हम लोग पहला ही चैलेंज हारने वाले, लेकिन नहीं, हम लोग बिना कोशिश करे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए हम लोग अभी तीसरी बार आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट चांस है, इस बार तो कैसे भी ना कैसे निकलना ही चाहिए, क्योंकि इस बार गोस्ट राइडिंग बाइक भी दूर दूर रखी है, लेकिन अभी भी यार इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क के आगे इसके तो गाइस प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे एंड दूर जाने के बाद वहां से स्पीड में बाइक लेके आएंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, हमने बाइक ले लिए यार। KTM बाइक सही से हैंडल नहीं हो रही, मुझे लगता है मुझे कोई दूसरी बाइक लेनी चाहिए। अभी हम काफी दूर आ चुके हैं तो हमें अपनी बाइक चेंज करनी होगी, क्योंकि इस बाइक की हैंडलिंग काफी ज्यादा ठीक नहीं लगी। एक भी गलती नहीं कर सकता क्योंकि ये अपना आखिरी चांस है। हाँ, ये बाइक काफी ज्यादा मेरे दिल के करीब है एंड इसके हैंडलिंग भी काफी अच्छी है। अभी फुल स्पीड में जाने वाले हम लोग एंड ये हमारा आखिरी चांस है एंड हमें बचना भी होगा एंड बीच से निकालना भी होगा। अगर हम मर गए तो कोई फायदा नहीं रहा, इसलिए 3, 2, 1 तो बाइक में आग लग चुकी है। लेकिन आओ क्या बात है, हम तो बाल बाल बच गए। बाइक जरूर हमारी टूट फूट गई, लेकिन हमने चैलेंज को पूरा कर लिया है, क्या बात है। इसी बात पर यार एक सब्सक्राइब बाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार, ये पुलिस वाला मेरे बीच से निकल गया क्या? लेकिन यार हम तो चैलेंज पूरा कर रहे थे, ये पुलिस कैसे हमारे पीछे पड़ गई? अबे यार हम तो मैजिशियन बन गए भाई, इस चैलेंज ने तो हमें आर पार वाला बना दिया एंड कोई भी गाड़ी हमें छू नहीं पा रही भाई, ये कैसा ग्लिच है यार। अगर ये ग्लिच आपके साथ हुआ है तो एक तो कमेंट करके बताना भाई एंड एक लाइक जरूर कर देना, इस चैलेंज को हमने कितनी भयंकर तरीके से पूरा किया है। अभी हम चलते हैं दूसरे चैलेंज की, चैलेंज नंबर 2। भाई पिछले वाले चैलेंज से थोड़ा ज्यादा कठिन है, लेकिन यार हमारे आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हम हैं चाचा के सामने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो इस चैलेंज में हमें करना क्या है, सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसके बीच में थोड़ी सी जगह है तनिक मात्र, उसके बीच से हमें ये प्लेन निकालना होगा। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कैसे भी करें यार, यही तो चैलेंज का पार्ट था। ना तो हमें इस बिल्डिंग के अंदर रुकना है और ना ही इससे टकरा के पीछे गिरना है, हमको पार निकल के जाना है। तो कोई नहीं गाइस, हमारे पास इस वाले राउंड में है 5 चांस, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने कई बार ट्राई किया इसे, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। जैसे कि हमने ये रेड वाले प्लेन से भी ट्राई किया लेकिन वो टकरा के पीछे ही गिर गया, फिर हम ग्रीन वाला लेके एंड वो मुझे लगा कि चला जाएगा, लेकिन वो भी बेचारा आता गया और फिर से वो भी अटक गया। उसके बाद हमने फिर से उसी को लाया एंड इस बार वो टकरा के इतना बुरा जमीन पे गिरा बता नहीं सकता। अभी हम येलो प्लेन से ट्राई करने वाले हैं भाई। नाउ हम अगेन पर्पल प्लेन से जाने वाले हैं। इस बार तो भाई निकल ही जाना भाई, इसमें अनलिमिटेड चांस थे। जब तक ये निकलेगा नहीं मैं लगा रहूंगा, लेकिन मैं सच बताऊं क्योंकि प्रयास करने से ही यार सफलता मिलती है। वेल बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, संदीप महेश्वर जी शर्मा जाएंगे। तो इस बार एंगल वेंगल सब ठीक है, बस मुझको सटीक मिलाना है एंड ये 3, 2, 1 ये यार ये फिर से फंस गया। नहीं नहीं यार ये इधर से निकल गया यार, मतलब थोड़ा सा ही बच गया था। नाउ ये मेरा लास्ट चांस है एंड इस बार हम इसको रोड से लेके जा रहे हैं एंड भाई अगर इस बार नहीं निकला ना तो ना तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा और ना ही मैं इस गेम को खेलूंगा भाई, यार बेइज्जती हो जाएगी चाचा की यार। इसलिए इस बार कैसे भी निकलना चाहिए भाई, बस कुछ देर और एंड ये निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा भाई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, प्लीज भगवान तुम्हारी जय। क्या बात है यार, अरे वाह क्या बात है, ये तो मजा ही आ गया यार, मैं तो इतना खुश जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ यार। फाइनली हमारा चैलेंज पूरा हो गया, कम से कम 20 बार हमने ट्राई किया था एंड खुशी में हम प्लेन से ही कूद गए यार। क्या बात है, अब बस हमारा एक लास्ट वाला चैलेंज बचा है, चैलेंज नंबर 3 में हमारे पास ये पेंजर है, इससे हमें उस डायनासोर को मारना है। लेकिन यार अभी सबसे पहले कोशिश करते हैं क्या ये मरेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा कठिन लग रहा है। अबे डायनासोर क्या बात है यार, हमने लास्ट वाले चैलेंज की खुशी में इस चैलेंज को भी पूरा कर लिया है। इसी बात पर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कर डालो एंड नीचे कमेंट में लिखो लव यू चाचा एंड मैं भी लिख दूंगा लव यू भतीजे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी और वीडियोस को देखो जाके यार, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है।